गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बनाएंगे हम द मोस्ट पॉपुलर रेसिपी दैट इज कॉल्ड अ समोसा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं इस रेसिपी को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे इसमें नमक, 1 टेबल स्पून हम लेंगे अजवाइन जो कि हाथों से क्रश करके हम इसमें मिक्स करेंगे, और 4 बड़े चम्मच हम ऑयल के इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मैदे में जो ऑयल है वो मोइन का काम करता है, इसलिए हमें इसको दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि जो मोइन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इससे क्या होता है कि हमारे जो समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी समोसे बन के निकलेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। और हम इसे देखते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारा मुट्ठी बनाने पे शेप ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ये शेप ले रहा है तो समझ जाइए कि मोइन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मैदे में मिक्स हो गया है। ये देखें कितनी बढ़िया तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक टफ डो तैयार कर लेंगे। इसको ओवर नीड नहीं करना है, इसे बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, इसे बहुत ही थोड़े पानी में हमें गूंदना है और इसका एक टफ डो तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख लेते हैं करीब 1 घंटा। फिर 1 घंटे रेस्ट करने के लिए रख देंगे हम, और हम अब चलते हैं समोसे की फिलिंग को तैयार करने के प्रोसेस में। स्टफिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कोरिएंडर सीड, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, अदरक बारीक कटी हुई, और हरी मिर्च टेस्ट के अनुसार हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने चिल्ली फ्लेक्स लिया है, आमचूर पाउडर लिया है, हींग ऐड करेंगे हम इसमें, हमारे जो आलू हैं वो बॉयल हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब हमने इसको निकाल लिया है और इसके छिलकों को हम छील लेंगे। इनमें से 2 आलू हम निकाल लेंगे जो कि हम विदाउट मिर्ची बनाएंगे, बाकी के जो 6 आलू हैं उसका समोसा बनाएंगे। उन 6 आलू के कम से कम हमारे 13 से 14 के बीच में समोसा निकल आएंगे। चलिए हम आलू के छिलकों को निकाल लेते हैं। ये देखिए आलू के छिलके निकल चुके हैं, अब हम इसको क्यूब्स में इसको काट लेते हैं। हमने आलू को क्यूब्स में काट लिया है, ये देखें। हम इस तरीके से भी काट सकते हैं, और जैसे कि हम आलू को मैश करके भी हम आलू की स्टफिंग, समोसे की स्टफिंग को तैयार कर सकते हैं। अब हमने लिया है पैन, पैन को हम गरम कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। फ्लेम हम लो रखेंगे, जैसे ही हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है उसमें हम बारीक कटी हुई अदरक को ऐड कर लेंगे। देखिए बारीक कटी हुई अदरक हमने इसमें ऐड कर लिया है, इसमें कोरिएंडर सीड्स हम ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा जो हमने रखा था वो ऐड किया हमने इसमें, सौंफ हमने ऐड किया, और हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करेंगे लाल मिर्ची पिसी हुई। हम चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम लाल मिर्ची पिसी हुई ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच आमचूर, आमचूर का पाउडर यूज़ करेंगे हम, 1 काली मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला,
और इसको अच्छे से चला लेंगे हम। इसको थोड़ी थोड़ी देर में हमें चलाना है ताकि ये जले ना। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया हमारे आलू का, बिल्कुल बाज़ार के समोसे की तरह, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कलर लग रहा है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार ही डाल सकते हैं इसमें। इसमें हमने करीब एक बड़ा चम्मच नमक ऐड किया है और इसको अच्छे से हम ऐड कर लेंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। इसमें हम कोई भी हल्दी पाउडर नहीं यूज़ करेंगे, धनिया पत्ती नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसमें सब्जी का फ्लेवर नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे समोसे की स्टफिंग बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें कोई भी टर्मरिक पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, नो धनिया। और इसको अब अच्छे तरीके से चला लेंगे। हमारा जो आटा है, मैदा है, वो एकदम तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम आटे में से लोइयां निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे। और हमें इसे अंडे के आकार में ही बेलना है, इसको बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं बेलना है हमें। ये देखिए इसको अब हम बेल लेते हैं। हम इसमें यहाँ पे सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर आपको आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन आप ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तभी ये बहुत अच्छे समोसे बनेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे अंडे के आकार में ही बेलेंगे, मीडियम साइज़ में। अब हम यहाँ बीच से कटिंग करेंगे, यहाँ से दोनों से बीच में काट देंगे। ये देखिए ये थोड़े से थिक हैं, बट अभी हम इसको और अच्छे से बेल के इसको थोड़ा सा लंबाई में बड़ा कर देंगे। ये देखिए अब जहाँ से हमने इसे कटिंग करी हुई है वहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे से बेल दिया है। यहाँ पे हमने पानी लगा लिया है, इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इसको चिपका देंगे और हथेली पे लेके कोन की तरह इसको रख लेंगे। और फिर यहाँ पे हम आलू भरेंगे जो हमने स्टफिंग तैयार की है समोसे की। करीब एक चम्मच, हम बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं वरना हमारे समोसे जो हैं वो फट भी सकते हैं, तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग हम इसमें आलू भर के इसको, हम एक सिंपल सा प्रोसेस बता रहे हैं इसमें। आप वाटर जो है किनारे किनारे लगा के इसको बस सिंपल तरीके से इसको चिपका दीजिए, तो भी समोसा बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। ये देखिए कितने आराम से ये चिपक जाएंगे। ये देखिए चिपक गए और दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल बाजार के समोसे की तरह। ये देखिए, चलिए अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। को पहले से ही गर्म कर लिया था और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि समोसा हमेशा आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है। इससे क्या होता है कि जो समोसा है वो अंदर तक पक जाता है, जब अंदर तक पकता है तो ये बहुत ही क्रिस्पी समोसे बनते हैं और बहुत ही अच्छे खिले खिले समोसे बनते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं, तो इसे आप हमेशा लो फ्लेम पर ही पकाइए। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहा है। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। ये देखिए गोल्डन गोल्डन समोसे हमारे बन के निकल रहे हैं, तो
चलिए आप लोग भी बनाइए, और अच्छी लगी रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बटन है बेल आइकन, उसको भी क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। सो बाय बाय, टेक केयर।